नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर एंड मैं आपको मेरा चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राविकाइन डीएसआर के बारे में। दोस्तों ये राविकाइन डीएसआर मैनकाइन कंपनी का एक ब्रांडिंग नेमिंग होता है। चलिए समझते हैं कि राविकाइन डीएसआर में कौन सा कंपोजिशन इंक्लूडेड होता है। राविकाइन डीएसआर में रहता है राविप्राजोल एंड डोम्पिरिडोन। राविप्राजोल रहता है यहाँ पे 20 mg में एंड डोम्पिरिडोन रहता है 30 mg में। राविप्राजोल मौजूद होता है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। एक राविप्राजोल एक प्रोटोन पंप इनहिबिटर होता है जो हमारा स्टोमाक की एसिड को रिड्यूस करवाता है। कैसे रिड्यूस करवाता है? बाय ब्लॉकिंग सम एक्सॉन एंजाइम। एक्सॉन एंजाइम मतलब H+ रिसेप्टर हो गया, K+ रिसेप्टर हो गया, ATPase हो गया, ये सारे एंजाइम को ब्लॉक करवा के हमारा स्टोमाक में जितना भी एसिडिटी होता है, एसिड का अमाउंट होता है, उसे वो ब्लॉक करवाता है। उसके बाद समझते हैं कि डोम्पिरिडोन। ये डोम्पिरिडोन एक क्या होता है? डोम्पिरिडोन एक प्रोकाइनेटिक एजेंट होता है जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक यानी GIT में क्या उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज करवाता है। मोटिलिटी को इंक्रीज करवाने के बावजूद क्या होता है कि हमारा जो स्टोमाक से हमें जो वोमिटिंग की महसूस हो रहा होता है उसे वो ब्लॉक करवाता है, यानी कि वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। चले ये राविकाइन डीएसआर यानी कि राविप्राजोल एंड डोम्पिरिडोन दोनों केमिकल इंग्रेडिएंट मिलके क्या क्या काम करवा सकते हैं। इस दवाई को ज़्यादातर GERD डिजीज यानी कि गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। एसोफेजियल का मतलब होता है अपनी थ्रोट से जो स्टोमाक तक जो एक पाइप होता है उसे बोला जाता है एसोफेजियल। जब हमारा स्टोमाक में एसिड का ज़्यादा सिक्रेशन होने लगेगा यानी कि एसिड का अमाउंट इंक्रीज होने लगेगा तो हमारा एसोफेजियल के थ्रू और रिफ्लक्स होने जैसे महसूस होगा, तब आप इस दवाई को यूज कर सकते हैं। एसिड रिफ्लक्स में भी यूज कर सकते हैं, हार्ट बर्न में भी आप यूज कर सकते हैं, पेप्टिक अल्सर, स्टोमाक अल्सर, डिस्पेसिया का मतलब होता है स्टोमाक अपसेट, इन सारे केसेस में आप इस दवाई को यूज कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि कोई भी दवाई अपने मन मर्जी से यूज ना करे। डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देख के प्रेस्क्राइब करते हैं, तो कोई भी दवाई यूज करने से पहले आपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। उसके डोजेस की बात करें तो इसको आप विथ फूड या विदाउट फूड भी ले सकते हैं, बट विदाउट फूड लेना आपके लिए ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। विदाउट फूड यानी कि कुछ भी खाने से पहले सुबह से आप एक ले लेते हो तो जो एसिड का प्रॉब्लम होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ये होता है उसकी डोजेस। अब चलते हैं कि हर एक दवाई का साइड इफेक्ट जैसे होता है, इस दवाई का कुछ साइड इफेक्ट देखते हैं। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो जो साइड इफेक्ट होता है वो नज़र नहीं आता है, बट नज़र आता है तो क्या क्या आ सकता है। स्किन रैश हो सकता है आपको एंड लॉस ऑफ लिबिडो। लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअली डिजायर लॉस हो सकता है एंड कॉफ हो सकता है थोड़ा बहुत, सोर थ्रोट एंड बैक पेन, ये सारे जो कुछ कॉमन सा साइड इफेक्ट नज़र आता है, बट ये ज़्यादातर केस में नज़र नहीं आता है। और अगर भी ये जो साइड इफेक्ट आपको दिखाई देता है तो कुछ देर के बाद अपने बॉडी में वो डिसअपियर हो जाता है, और डिसअपियर नहीं होता है तो अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। और कुछ भी अदर साइड इफेक्ट नज़र आता है तो अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। और एप्लीकेशन होता है दोस्तों, दवाई का एक स्पेशल फ्रिकेशन यानी कि इम्पोर्टेंट फ्रिकेशन होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी दवाई अपने मनमर्जी से यूज ना करें, अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है आपके पास तो अपने नियरेस्ट फार्मासिस्ट को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। बट इस वीडियो का एक ही मकसद होता है कि दवाई के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल सके। इस वीडियो का कोई भी ऐसा मतलब नहीं होता है कि बिना डॉक्टर या बिना फार्मासिस्ट के आप कोई भी दवाई यूज ना करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी फायदेमंद होगा, आपको अच्छा जानकारी मिल गया होगा। दोस्तों आप अगर पहली बार मेरे चैनल को आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना। और कोई भी दवाई के बारे में जानकारी चाहिए या कोई भी डिजीज के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, बोलते रहे, जय महाकाल।